योगिता, गौरव, तालिब, अंकित, अंकिश, यस सर, सुभमन, आशीष, सोनू ऑनलाइन, सुजल, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, प्रेजेंट सर, पंकज, माही, मेहरवान, सुप्रावती, हिमानी, प्रेजेंट सर, स्नेहा, दीपांशु, सुप्रिया, लक्ष्य, सर हिमानी प्रेजेंट, मार्क हो गया आपका हिमानी। ओके सर। क्या है ना कि आपका जो जेएसएस में चल रहा है वो उसका नेम वनीला कर रखा है उन्होंने, अलग से ऐसा कुछ नहीं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी ना वेबसाइट जेक्वेरी यूआई, वही हो जहां से मैंने वो देखा था प्राइस वाला गेट ऑन प्ले। एनिमेशन यूज ही नहीं करने होते, तभी तो मैंने आपको एनिमेट ऑन स्क्रॉल अलग से कराया। एनिमेशन वेबसाइट को स्लो करते हैं इसलिए उनको यूज नहीं करना चाहिए। सर सोनू प्रेजेंट, क्या नाम है? सर सोनू, सोनू सोनू तुम्हारी जी, मार्क्स और के अटेंडेंस किसका देख लिया? पर ये तो बहुत पहले लग गए। ओके सर। हाँ चलिए, आज का अपना टॉपिक है मटेरियल डिजाइन लाइट। इसके लिए हम आपको आना है गेट एमडीएल, इस वेबसाइट पर आइए getmdl.io। एमडीएल स्टैंड फॉर मटेरियल डिजाइन लाइट। लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं इसका, यहाँ से आप फैच कीजिएगा। तो बूटस्ट्रैप से भी ज़्यादा अगर आपने लाइट कोई वेबसाइट बनानी तो उसके लिए हम लोग एमडीएल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप कंपैरेटिवली देखा जाए मटेरियल तो हैवी है, तो मटेरियल से जितनी भी चीज़ें बनी हैं आपकी, जैसे एग्जांपल के तौर पर पूरा आप जीमेल जो देख रहे हो ये मटेरियल से डिज़ाइन किया हुआ है, या फिर अगर आप ड्राइव देखते हो या यूट्यूब देख रहे हो, गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मटेरियल से ही डिज़ाइन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इसका यूज़ हमने रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए करना है, लाइक बूटस्ट्रैप, इससे कोई मोबाइल ऐप नहीं बनेगी। मोबाइल ऐप के लिए मटेरियल अलग आती है, ये मटेरियल डिज़ाइन लाइट लाइट वेट वेबसाइट बनाने के लिए है, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो। जैसे मेरा एक वेबसाइट आप देख रहे हो, इसका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मोबाइल पर कितना फास्ट है, 30 out of 30 आ रहा है ना। तो ये तभी पॉसिबल होती है चीज़ें जब आप उस तरीके से सही मैनर में काम करते हो। तो
इसमें कंपोनेंट आपको बहुत मिनिमलिस्टिक मिलेंगे, ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली जैसे आपको उसमें मिलती है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मटेरियल डिज़ाइन लाइट लेट्स यू ऐड अ मटेरियल डिज़ाइन लुक एंड फील टू योर वेबसाइट, इट डज नॉट रिलाई ऑन एनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड एम्स टू ऑप्टिमाइज फॉर क्रॉस डिवाइस यूज। क्रॉस डिवाइस मतलब है लैपटॉप डेस्कटॉप टीवी मोबाइल जिसके लिए आप बनाना चाह रहे हो। ग्रेसफुली डाउनग्रेड इन ओल्डर ब्राउजर एंड ऑफर एन एक्सपीरियंस दैट इज इमीडिएटली एक्सेसिबल। तो इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स कॉम्पोनेंट्स इसका और कस्टमाइजेशन ये चार चीजें मिलती है मेजर। चलिए तो आगे देखेंगे। आज स्नेहा ने ज्वाइन नहीं किया। तो क्लिक ऑन गेट गेटिंग स्टार्टेड। अब यहाँ पर जैसे आप लोग बूटस्ट्रैप के देखते हो सीडीएन आते हैं, सेम वैसे ही सीडीएन आपको इसके भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से सीडीएन कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना है। ये चीज़ के केस में ध्यान रखना है कि आपका नेट चलना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि नेट नहीं है मेरे पास तो इस तरह से चलाओ डाउनलोड करके, है ना। तो अपन चूज करेंगे होस्टेड, यहाँ से कोड कॉपी, यहाँ पर आएंगे, आज की डेट में एक न्यू फाइल बना लेंगे विच इज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर आपने सिंपल एच टी एम एल लिखना है, कोई बूटस्ट्रैप नहीं कुछ नहीं, और यहाँ जाके आपने आफ्टर टाइटल इसको कॉल करा। एक चीज़ आपने मेक श्योर करना है कि अगर वी एस कोड में काम करोगे तो आपका व्यू पोर्ट ऑटोमेटिक आएगा, अगर नॉट पैड में कर रहे हो तो व्यू पोर्ट लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि रेस्पॉन्सिव बिना इसके नहीं चलता है अपना। तो ये पार्ट अपना यहाँ आ गया। स्क्रिप्ट को आप चाहें तो कट पेस्ट करके बॉडी में सबसे नीचे रख सकते हो यहाँ पर। अब जो भी अपने को काम करना है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब इसमें मटेरियल सक्सेसफुली ऐड हुआ या नहीं इसकी टेस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, आपने यहाँ से कोड कॉपी करना है। अगर ये बटन एज इट इज़ बन गया इट मीन्स कि हमारा कोड कनेक्ट हो गया है ना। लाइव सर्वर पर आते हैं। काम कर रहे है? इसी तरह से कोई दूसरा आपने ऐड करना है लाइक राउंडेड, क्लिक ऑन कॉपी और यहां पर कॉल चेक करेंगे। तो दोनों अपने सक्सेसफुली यहां पर कनेक्ट हो गए इसके अंदर। अब इंटीग्रेशन टेस्ट, अब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। तो देखो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल, क्या ध्यान रखना है, व्यू पोर्ट आपका कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर डायनामिक वेबसाइट वगैरह अगर आप लोग बना रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर कुछ जेएस के कोड वगैरह दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पर अपना फुटर में लिख के कोड डाल दीजिएगा। कशिश कशिश का तो नाम ही हटा रखा है। कशिश इस मंथ में फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किए क्या? यस यस सर। इस मंथ में कोई भी क्लास नहीं लिया आपने? नहीं नहीं सर, मैंने भी नहीं ली थी, लास्ट मंथ भी नहीं ली थी। मार्क कर देना। तो ऊपर आएंगे, यहां से आपको ऑप्शन मिलते हैं टेम्पलेट्स। तो ये क्या होते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट है, यानी कि जहां से आप बेस कोड के ऊपर अपना चीजें ऐड करते हो और यूज कर सकते हो। सो क्लिक ऑन, ये जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना गेट बूटस्ट्रैप के अंदर लास्ट क्लास में एग्जांपल्स दिखाए थे बने बनाए हेडर फुटर, उस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग चीज़ें थी बनी हुई, इसमें क्या आपको पूरा एक टेम्पलेट मिल जाएगा। तो जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो पूरा मटेरियल से डिज़ाइन आपको एक पेज दिखाई देगा इसमें, इस तरह से। ये हो गया ब्लॉगिंग, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो उस केस में। या फिर जैसे ये एंड्रॉयड जो है उसकी भी वेबसाइट मटेरियल पे ही डिज़ाइन है, ठीक है, जो एंड्रॉयड की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा ही बनाना, इसका लुक एंड फील कुछ ऐसे ही जाने वाला है, तो आपने यहाँ से पकड़ना है इसको और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो, अगर आपको कोई डैशबोर्ड बनाना है इस तरह का सम सॉर्ट ऑफ, तो आप डैशबोर्ड बना सकते हो। और यहाँ से आप पोर्टफोलियो बेस्ड, टेक्स्ट हैवी वेब पेज, या फिर स्टैंड अलोन आर्टिकल, तो सारे आपको प्रीसेट्स बने बनाए मिल जाएंगे, उसी के अंदर अपने चेंजेस करते जाओ और यूज़ करते जाओ। हम कंपोनेंट पे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे हमें बैजेस पढ़ रखा है, क्या होते हैं हमें पता है, बटन्स के बारे में आप जानते हो, कार्ड्स के बारे में आप जानते हो, चिप्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, डायलॉग्स हैं यहाँ पर, लेआउट, लिस्ट, लोडिंग जिसको हम लोग स्पिनर वगैरह बोलते हैं, वहाँ पर मेन्यूज जिसको हम लोग वहाँ पर नेबार, स्लाइडर्स जिसको हम लोग वहाँ पर प्रोग्रेस बार बोलते हैं, ठीक है, स्नैक बार जिसको वहाँ पर टोस्ट बोलते हैं, टॉगल्स, ठीक है, टेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स एंड टूल टिप्स जिसको पॉप ओवर एंड टूल टिप्स के नाम से हम लोग। तो दिखाई दे रही काफ़ी हद तक सिमिलर ही है ना। तो क्या नहीं आया इसके अंदर, क्राउजल नहीं आया है ना, क्योंकि क्राउजल में जावास्क्रिप्ट होती है और गूगल अगेंस्ट है किस चीज़ के, एनिमेशन की। बस स्ट्रिक्टली मना करता है कि मुझे अगर वेबसाइट दे रहे हो तो उसमें एनिमेशन को हटा दो बिल्कुल, अगर एनिमेशन होगा तो मैं आपको इंडेक्स नहीं होने दूंगा। और हम जब स्टूडेंट होते हैं हमारा एनिमेशन लगाने के मन कर रहा होता है ना, तो वो तब लगाना होता है जब आपकी वेबसाइट इतनी फेमस हो जाए कि गूगल की तुम्हें ज़रूरत ना हो, तुम्हारे विजिटर को गूगल नहीं चाहिए सर्च करने के लिए, उसे ऐसे ही पता हो। जैसे किसी भी बच्चे को आज के भी बोले कि इंटरनेट पे सर्च कर लो जाके, तो उसे पता गूगल होता है, उसे कहावत है ना, ठंडा मतलब कोका कोला, तो इंटरनेट मतलब गूगल, सबको पता है आज के भी इतनी पॉपुलैरिटी है। तो वैसे ही जब लोग कहते हैं ना ऑनलाइन कुछ परचेजिंग कर लो, तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, है ना, कोई ये तो नहीं कहते क्रोमा से जाके खरीद लो ऑनलाइन में। ये डिफरेंस है। तो गूगल ने लिखा है मटेरियल डिज़ाइन लाइट को, बूटस्ट्रैप को लिखा था ट्विटर ने, तो ये दोनों ब्रांड है अपने अपने, है ना। तो गूगल ये कहता है कि चीज़ जितना लाइट होगी उतना जल्दी मैं तुम्हारे विजिटर के पास लेके चला जाऊंगा, और जितना ज़्यादा हैवी होगा उतना टाइम ज़्यादा लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लीवास्तु का परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाला हुआ है, तो जिसमें क्या बोल रहा है कि मेरी वेबसाइट 2.4 सेकेंड्स में खुल जाती है, क्या लिखा रहा, सो फास्ट सो लाइट, है ना। यहाँ पर पेज की स्पीड 3.5 सेकेंड, जूम जूम नाइस वर्क, ठीक है। पेज के एमबी से में मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि 2.5 सेकेंड में खुलनी थी, ये बात खत्म, एमबी से मतलब नहीं हमारा। कोडिंग का कोई लोड तो वेट थोड़ी ना होता है, कोड से जो बनता है उसका वेट होता है, जिसको हम बोलते हैं डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टैग्स का इस्तेमाल करोगे उतना पेज हैवी होगा। अब ये कोई ऐसा वीडियो वाला सिस्टम थोड़ी ना कि भाई मैंने 1 GB की वीडियो बना दी या 2 GB की बना दी, कोडिंग में तो उस कोड से बनेगा क्या, वो टाइम खाता है आपका। तो समझ गया ना मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल डिज़ाइन लाइट। अगर आपने एक लाइट वेट वेबसाइट बनानी है जो ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पर बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, वहाँ पर भी खुल जाए, तो दो तरह की वेबसाइट होती हैं, एक होती है AMP जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, ठीक है, जिसमें कई बार आपने देखा होगा जैसे आप कहीं किसी हिल स्टेशन पर जाते हो तो गूगल जब आप सर्च करते हो गूगल भी नहीं खुल पाता, वहाँ लिखा था लाइट और उसके आगे लिखा था google.com, तो मतलब गूगल का भी लाइटर वर्जन खुल रहा होता है ना। तो चलो इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं यहाँ से कोई कंपोनेंट किस तरह से काम करती है चीज़ें। तो जैसे जब कोई वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ऐसा तो कहीं है नहीं कि भी कंटेनर या ग्रिड तो क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने उसका नाम रखा है लेआउट,
लेआउट में गए तो आ गए सब, ग्रिड टैब फुटर, समझ गए। तो शुरुआत कहाँ से होगी, लेआउट से, यहाँ से नहीं, है ना। वो अल्फाबेटिकली उन्होंने रख दिया है, बट हमारा लेआउट के अंदर स्ट्रक्चर है। तो लेआउट में भी सबसे पहले आप ऐसा तो नहीं नेविगेशन बना लोगे सीधे, बेस तो चाहिए होगा ना, रखना किसके अंदर है, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, ग्रिड। अब ग्रिड में जब हम लोग आते हैं तो बूटस्ट्रैप में उसमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप समझ में आ गई ना आपको, तो इसको आप एक दिन में समझ जाओगे। देखो बूटस्ट्रैप में नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, 12 होते हैं, मटेरियल में भी 12 होते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप में मोबाइल और टैबलेट में भी 12 कॉलम होते हैं, बस यहाँ पर यह डिफरेंस है, मोबाइल के लिए इसमें जो चलते हैं आपके 4 होते हैं और टैबलेट के लिए इसमें 8 होते हैं। बूटस्ट्रैप में सभी में 12 है, मोबाइल हो टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो। मटेरियल में क्या है, टैबलेट के लिए 8, मोबाइल के लिए 4, ये डिफरेंस है, समझ गए। इतना ध्यान रखना है बस। तो जैसे अगर आप सिंगल सिंगल बना रहे हो तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर हम लोग थ्री कॉलम बेस दे दें, मैं 4 × 3 = 12, या फिर अगर हम लोग इस तरह से रैंडम उसको डिवाइड कर रहे तो 6 + 4 = 10 + 2 = 12। अब ये देखो टैबलेट वगैरह के हिसाब से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप में 6 है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर तो 6 के बराबर आ रहे हैं, लेकिन टैबलेट में ये क्या होगा, फुल विड्थ ले लेगा। यहाँ पर क्या है, डेस्कटॉप में 6 + 4 = 4, लेकिन टैबलेट में ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर डेस्कटॉप में ये 2 है, लेकिन मोबाइल मोड में 4 में कन्वर्ट होगा। तो ज़रा मोबाइल मोड एक्टिवेट करो और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वैसे ही काम कर रहा है। तो देखो क्या हो गया, 4 4 4 ब्रेक हुए, मोबाइल में 6 4 2 पर देख रहे हो क्या हुआ, पूरी वृत्त नहीं आई, यानी कि 4 पर ये फुल होगा मोबाइल के अंदर, 2 अगर लिख दिया अपने कॉलम तो ये हाफ हो जाएगा, समझ गए। जरा टैबलेट में आओ, ये तो हो गया मोबाइल का मतलब। अब टैबलेट में देखो, 8 का मैंने मतलब बताया था ना कि मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 पर फुल विड्थ हो गया, हमने यहाँ पर लिखा 6 और 2, तो 6 और 2 में यहाँ पर आपको इस तरह से टैबलेट में रेंडर होगा रिजल्ट। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 कॉलम सिर्फ डेस्कटॉप के लिए हैं, टैबलेट के लिए 8, मोबाइल के लिए 4, बूटस्ट्रैप में सभी के लिए 12 है, सीधा सा फंडा, टैबलेट के लिए 8, मोबाइल के लिए 4, ठीक है, सीधा फंडा है, 4 8 12 खत्म। ये इसका ग्रिड, अब ट्राई करके देखते हैं काम कैसे करो। तो चलिए ये है इसका कोड, सेम वैसे जैसे बूटस्ट्रैप आपको देता है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हम लोग मान लेते हैं ना कंटेनर देन रो देन कॉलम, तो यहाँ पर आप देखोगे सीधे ग्रिड आया, यानी कि ये डिस्प्ले ग्रिड पर लिखा गया है ना। और बूटस्ट्रैप के अंदर जब लोग डी ग्रिड लिखते हैं तब वो डिस्प्ले ग्रिड में आता है, अदरवाइज जब आप लिखते हो ना कंटेनर रो और कॉलम तो वो फ्लैक्स होता है। फ्लैक्स को अंदर के कॉलम्स के लिए भी एक रैपर चाहिए होता है जिसको बोलते हैं रो, ठीक है। ग्रिड को रो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ग्रिड सीधे कॉलम को रो में हैंडल कर लेता है डायरेक्टली। ये हमने जब मैनुअली स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी CSS तब हमने समझा था। हाँ तो यहाँ पर आप देखो सीधा आपको मेन कंटेनर दिखेगा, उसके अंदर आपको कोई रो नहीं मिलेगा, सीधे कॉलम बने हुए, है ना। ऐसे आप नीचे वाले पार्ट में देखो हर जगह आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। इससे ये क्लियर हो गया ये ग्रिड पर चल रहा है, इसलिए इन्होंने इसको नेम दे दिया इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, मटेरियल डिजाइन लाइट ग्रिड। क्लियर, कॉपी कर लो यहाँ से। अब इसमें क्या है जैसा मान लेते हो कॉल्स, कॉल 1 कॉल 2, यहाँ पर MDL सेल चलेगा। MDL सेल के बाद डेस्कटॉप में कितने कॉलम बनाए, तो आप लिखेंगे MDL डैश सेल डैश डैश 1 डैश कॉलम, डबल डैश आएगा, ठीक है, जिसको लोग हाइफन बोलते हैं। अगर आप टैबलेट के लिए लिख रहे हैं तो आप मोबाइल के लिए पहले अलग लिखेंगे, जैसे उसमें लिखते हैं ना हम लोग MD के लिए इतने, स्मॉल के लिए इतने कॉलम, तो यहाँ पर MDL सेल 8 कॉलम, आगे आपको क्या लिखना है टैबलेट। यहाँ पर MD या SM या LG की कोई क्लास नहीं है, या XL या डबल XL, टैबलेट के लिए टैबलेट, मोबाइल के लिए फ़ोन, बस इतना करना है। कोड कॉपी करो और अपने यहाँ पर लाके इसको कॉल कर लो।
आज इतना लेट सही किया। तो ये आ गया अपना कोड इसका, और इसको हमने ले जाके यहाँ पर कॉल कर लेना। इसका मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, MDL इंटीग्रेशन। एक नई फाइल बना रहे हैं जिसका नेम है MDL ग्रिड। ठीक है, ये पूरा कोड हम लोग यहां से करेंगे कॉपी और ग्रिड में लाके कॉल इस पार्ट को रिमूव करेंगे, और जो हमने कोड कॉपी किया था वहां से उसको लाके यहां पर पेस्ट कर लेंगे। आगे हमारा ग्रिड स्ट्रक्चर पूरा। अभी ना आपको इसका आउटपुट दिखाई नहीं देगा ओपन विद लाइव सर्वर, लेकिन स्ट्रक्चर आ चुका है हमारा, है ना। हाँ, मतलब वन लिखने को तो मतलब ऐसा कुछ 12 टाइम लिखने पड़ेंगे तब आपके 12 कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। तो हमें अगर ऐसा कुछ देखना है तो नोटिस करो कहीं पर इसका कुछ CSS कोड अगर आपको मिल जाए। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल के लिए, इसको विजिबल कराने के लिए यहाँ पर करें राइट क्लिक। यहाँ आप देख रहे हो कुछ स्टाइल लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, इसको कॉपी कर दो। कॉपी एलिमेंट यहाँ लाके कॉल करो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेमो, डेमो हटा दो, कंट्रोल एस करो और लाइव सर्वर पे जाके चेक करो। आ गया, कैसे ढूंढा हमने इसको, साइट के अंदर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ से इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद ऊपर हमें इसका स्टाइल दिख गया। ठीक है, स्टाइल को हमने किया कॉपी और यहाँ पर लाके पेस्ट कर लेना, बस डेमो हटा देना क्योंकि डेमो के नाम से यहाँ पर कोई क्लास नहीं है अपने पास, है ना। तो ये वाला पार्ट आपको विजिबल हो जाएगा। ये देखो इसका ग्रिड स्ट्रक्चर आ गया पूरा तो ग्रिड समझ में आ गया। डेस्कटॉप के लिए नंबर ऑफ 12, टैबलेट के लिए 8 और मोबाइल के लिए 4। अगर इसको UI/UX वाले कोई है यहाँ पर, तो जैसे फिग्मा अगर हम लोग ओपन करें अपना, और लॉगिन कर लें यहाँ से, कैसा दिल इसका भैया,
लॉग इन करेंगे इसमें। तो आप फिग्मा में कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, यहाँ से फ्रेम चूज करेंगे, डेस्कटॉप फोन एंड टैबलेट। तीनों साइड में डिफरेंस समझ आ रहा है? एक टूल अपने पास रहता है एचडी के नाम से, इसको ओपन करिए। हम लोग आर्टबोर्ड चूज करेंगे, आईफोन लाइक 14 प्रो मैक्स, और एक यहां से टैबलेट चूज कर लो। ठीक है, तो डेस्कटॉप के ऊपर अगर हम लोग यहां से ग्रिड ऑन करते हैं अपना, तो कुछ समझ में आ रहा है? काउंटिंग कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मोबाइल पर 4, टैबलेट पर काउंट करो 1 2 3 4। समझ गए? तो सीधा सा कैलकुलेशन है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर अगर कोई टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से अपने कॉलम्स को काउंट करके काम करना है, तब आपकी वेबसाइट फोटोशॉप में ना डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, वहां पर ना आपको करना पड़ता है कॉन्फ़िगर। दिखा देता हूँ कैसे होता है। बिना ग्रिड के नहीं होती, ग्रिड नहीं होगा तो अलाइनमेंट सही नहीं होगा, दिक्कत आएगी आपको। सर हाँ जी पांचू, सर मैं एक अभी वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा था एक क्लाइंट के लिए, तो मैंने ना उसमें जो ग्रिड लिया है तो उसमें मार्जिन 140 लिया और गटर हाइट गटर जो साइज दिया वो 24 पिक्सल्स का लिया, तो ठीक रहेगा? 24 भी सही होता है, वो गलत नहीं होता, क्योंकि मिनिमम जो हमारा मार्जिन होता है ना लेफ्ट राइट से, वो 24 का ही हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा हाँ, तो वो हो सकता है फुल स्क्रीन बना रहे हो, ठीक है। बट हम नहीं सर, उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था पैंट, तो फिर यही ले लिया कि गट्टर मैंने 24 रख दिया और मार्जिन 140 ले लिया। सही है, तो यहाँ पर ना जब आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे
यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा वेब। अब यहाँ से चॉइस आपकी है कितने बड़े साइज पर आप बनाना चाह रहे हो। यहाँ से करते हैं ना क्रिएट। तो यहाँ पर ग्रिड कैसे बनाते हैं, लोअर वर्जन में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सीसी सीरीज में ही ये पॉसिबल होगा। आपको व्यू में आना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर गाइड्स, ठीक है। गाइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइड लेआउट, ग्रिड बना। अब नंबर ऑफ कॉलम्स आपने कितने बनाने हैं, जैसे कि 12। गटर की विड्थ कितने रखते हैं हम लोग 24। तो मैंने 24 क्यों डाला यहाँ पर, तो बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है यहाँ पर खुला होगा, यहाँ जाके आप सर्च करो गटर के नाम से, क्या लिखा रहे गटर स्टार्ट एट दिस वैल्यू, ठीक है। तो दो कॉलम के बीच का जो गैप होता है वो 24 पिक्सल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1.5 REM। 1 REM इक्वल टू 16, 16 का हाफ कितना हो गया, तो 16 प्लस 8 इक्वल टू 24। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विड्थ, विड्थ कितनी रखनी है कॉलम की, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाओगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं हमारे लिए इजीली इसको गेट करना, तो आपने डालना होता है सीधे मार्जिन के ऊपर। हमें पेज में टॉप और बॉटम से मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। अब बच्चा हमारा लेफ्ट और राइट से मार्जिन, तो जैसे कोई भी वेबसाइट जब लोग चलाते हैं ना तो उसमें लेफ्ट राइट खाली होते हैं। अब ये खाली इतना क्यों रखा गया, इतने पार्ट में इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो विड्थ है हमारी ये स्टैंडर्ड विड्थ है। यानी कि हो सकता है कि मेरा एक ऐसा यूजर हो जिसकी स्क्रीन से 1366x768 हो, जैसे मेरा याला जो स्क्रीन है प्राइमरी, ये क्या है मेरा फुल HD, ये जो स्क्रीन है ये फुल HD और HD रेडी के बीच का है, इसकी विड्थ है 1600 पिक्सल। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये है 4K, बट अभी के लिए ये आपको फुल HD का ही प्रोजेक्शन दे रही है क्योंकि हमने TV से कनेक्ट किया हुआ है इसको। या तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें 4K हों तब आप पर आपको 4K दिखाई देगा। तो ये जो विड्थ होती है ना ये आपकी ध्यान रखना 1366 के स्टैंडर्ड पे चलती है। तो जब हम लोग कंटेनर पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कंटेनर, तो यहाँ पर आपका जो वर्किंग एरिया होता है वो कितना होता है 1320, ठीक है। लेकिन जो मेन कंटेनर बनेगा वो क्या होगा 1400 पिक्सल का। अगर आप 1400 पिक्सल का कंटेनर बना रहे हो, ठीक है, तो जैसे हमने फोटोशॉप में टेम्पलेट जो बनाया वो है फुल HD, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1920 माइनस 1400, तो हमारे पास कितना आ गया 520, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ गया 260। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो कि आप यहाँ पर जाके लिखोगे 260 और इधर जाके लिखोगे 260, तो आपके लेफ्ट राइट की जगह खाली छूट गई, हमारा वर्किंग रेंज निकल के आ गया, तो मुझे कॉलम की विड्थ काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये काम जो मैंने अभी यहाँ पर किया है ये चलता है स्टैंडर्ड फिग्मा वगैरह के लिए, क्योंकि फिग्मा में हम लोग अंदर से अपनी पैडिंग खुद से बना सकते हैं, फोटोशॉप में पैडिंग बनाने का अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका चलेगा फंडा वो आप ध्यान रखो क्या करना होगा, अगर फोटोशॉप पे बना रहे हो तो आपको इस रेंज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास 1920 माइनस 320, तो आपको 300x300 का दोनों साइड से मार्जिन का यूज़ करना है। फोटोशॉप में आप ऐसे करोगे, अब हमारे पास एकदम परफेक्ट लेआउट आ गया। अब इस टेम्पलेट पर आते हैं, इसकी विड्थ पता लगाओ कितनी है इन पिक्सल्स, 1440 पिक्सल, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है, अगर बूटस्ट्रैप में बना रहे हैं तो मैक्सिमम 1400, तो आप यहाँ जाके इसके ऊपर ग्रिड डाल सकते हो। क्या लिखेंगे इसमें, तो खैर देखो लगा हुआ नहीं है कहीं पर भी, बट हम अपना खुद का लगा के देखते हैं। तो ये देखो ये भी ना ग्रिड के थ्रू ही बना है, बट ये एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बनाया, ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया।
सो न्यू गाइड लेआउट, ठीक है। तो टोटल हमारे पेज की विड्थ कितनी है, 1440 पिक्सल्स, ठीक है। तो 1440 माइनस हमारा वर्किंग कितना है, तो 60 का मार्जिन आ जाएगा हमारा इधर उधर, अब ये पूरा जो टेम्पलेट है इसी रेंज के अंदर चल रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, सारा मैटर उतने ही कॉलम में आ रहा है। बट ये अगर बिल्कुल सही जिसको समझ होती तो वो यहाँ से शुरू करता है इस टाइटल को, ये यहाँ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता फिर, तो ये होता। अब देखो हमें पता चल गया कि हमारे पास 12 कॉलम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब भी हम लोग कोई कार्ड डिज़ाइन करते हैं ना तो हमें ये ध्यान रखना था गटर में नहीं छोड़ते कभी भी, क्योंकि ये देखो ये गटर में आ रहा है, यहाँ पर सही नहीं है, तो ये प्रॉपर इधर होता या फिर ये यहाँ पर डिज़ाइन होता। तो इस चीज़ों का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना, गटर के ऊपर डिज़ाइन नहीं करते, गटर के अंदर अंदर डिज़ाइन करते नहीं, इसको सही अलाइन करना पड़ेगा, देख रहे हो उतना ही गैप आ रहा है ना गटर वाला, ठीक है। बट हमें मोटा मोटी आइडिया लग रहा है कि कॉलम बेस्ड डिज़ाइनिंग। तो जो वेबसाइट के स्टैंडर्ड चल रहे हैं ना मार्केट में, पोर्टल में कौन से कोर्स है, कौन से चैप्टर है, ये कहाँ से मिला, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो या तो देखो सिंगल डिजाइन कॉलम रो बेस्ड डिजाइनिंग होगी, या फिर आपके 3 कॉलम बेस्ड डिजाइनिंग होती है, या 2 कॉलम बेस्ड डिजाइनिंग होती है, या 4 कॉलम बेस्ड डिजाइनिंग होती है, या कभी कभी 6 कॉलम बेस्ड डिजाइनिंग भी होती है, लेकिन 7 की कभी नहीं मिलेगी, हमेशा इवन नंबर की डिजाइनिंग मिलेगी, ऑड की नहीं मिलेगी आपको। ऑड मतलब जैसे सिंगल होगी पूरा 1 हो गया ना, तो या तो 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो जहां तक आपका इक्वल डिवाइड होता जाए, तो 3 × 4 कर लोगे आप, ठीक है, तो आपके 4 कॉलम बन जाएंगे, 5 कॉलम का कैलकुलेशन नहीं बनता, क्योंकि 5 करोगे तो इवन कैसे डिवाइड करोगे, नहीं आएगा ना। 6 करोगे तो इवन डिवाइड हो जाएंगे, 6 से ऊपर का स्टैंडर्ड नहीं है, तो 6 होगा या 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, ठीक है। 6 के ऊपर आपको कभी भी कॉलम्स नहीं मिलेंगे, तो फिर होंगे 6 के ऊपर तो फिर 12 के 12 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 7 का कोई है नहीं सिस्टम। तो समझ आया फोटोशॉप में कैसे बनती ग्रिड, ऐसे बनती है। फिग्मा में अगर हम लोग इसके ऊपर कोई ग्रिड डालते हैं और यहां से हम लोग चूज करते हैं क्या कॉलम, तो ये सभी में आपको बाय डिफॉल्ट 5 ही देगा, चाहे आप यहाँ जाओ लेआउट ग्रिड में जाओगे। बट एक्सडी इस मामले में स्मार्ट है, वो आपको वही देगा जो राइट तरीका है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ है तो आप लिखोगे यहाँ पर कि मुझे इसमें 4, इसमें 12 और इसमें 8, सेटिंग करनी पड़ेगी ना, आपको पता होती है जब यूआईएस पढ़ते हैं तो हर चीज़ बताई जाती है, कितना मार्जिन चलेगा, कितना बीच का गटर होता है, मोबाइल के लिए बनाएंगे तो लेफ्ट राइट से कितना स्पेस होगा, मोबाइल के लिए हमारा जो 16 का चलता है, जो मार्जिन होता है वो 16 होता है मोबाइल फ़ोन में, 16 क्यों रखते हैं, अगर मान लो बिल्कुल एच टू एच बना दिया, अब किसी का डिस्प्ले एज हुआ तो वो तो नहीं कर पाएगा ना, तो उसकी दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए गैप छोड़ के चलते हैं। डेस्कटॉप के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है मार्जिन वो 24 का चलता है, 24 का क्यों लेके चलते हैं इसके अंदर, कि भाई मान लो आपके पेज में स्क्रॉलिंग है तो 24 पिक्सल में स्क्रॉल आ जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर आपका स्क्रॉल नहीं चल पाएगा ढंग से, तो कम
और टैबलेट पे भी आपका 24 का ही चलता है। यहाँ पर ये रहेगा स्टैंड, किस तरह से सिस्टम डिजाइन है। अब मोबाइल की जो गटर होती है वो अलग होती है, जब ऐप बनाते हैं तो मोबाइल की जो गटर चलती है वो 8 होती है, बीच का जो गैप होता है वो 8 का चलता है इसके अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप के लिए 24 का गटर चलता है, टैबलेट के लिए 24 का चलता है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ पहले से कैलकुलेट की गई है, ऐसा नहीं कि तुम डिज़ाइनर तुम्हारे से टूल तो जो मर्जी कुछ भी चला दोगे, ऐसे नहीं बनती वेबसाइट या एप्लीकेशन। हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके चलाना है, किसमें किसके ऊपर कितना ड्रॉप शैडो डालना है वो भी पहले से डिफाइन, ठीक है। ड्रॉप शैडो अपनी मर्जी से हम ये नहीं कहीं भी फैला के डाल देंगे, तो हर चीज़ कैलकुलेटिंग है। छोड़ दो, उसमें दिमाग मत लगा, तुम्हारे उसमें है ही नहीं, मैंने बस बता दिया अभी के लिए। जब UX पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, काहे को इतना लोड लेना, वैसे इतना कंफ्यूजन है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप से क्या डिफरेंट मिल रहा है, एक तो MDL सेल प्रीफिक्स आपको लगाना है, फिर उसके बाद MDL सेल वन कॉल, ठीक है। तो तब आपके यहाँ पर कॉलम बनेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 444 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ और मुझे इन सब में क्या बनाना है, तीन कॉलम, तो 3 × 4 हो गया ना 12 कॉलम। तो यहाँ पर आउटपुट में आना चाहिए फिर इसका मतलब, है ना, इस तरह से। तो अपना देख लेना सिस्टम किस तरह से आपने बनाने। अब बाय डिफॉल्ट ये जो आप सिस्टम ऊपर वाला देख रहे हो, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 4 4 12 हो गए। जब मोबाइल मोड में लेके चलिए ना इसको, तो ये मोबाइल के लिए 4 ही आते हैं मैक्सिमम, तो ये फुल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और अगर आप टैबलेट पे लेके चलोगे तो आपके 2 एक साथ आएंगे, क्योंकि 4 + 4 8 होते हैं ना टैबलेट में। तो अगर आप चाहते हो कि टैबलेट पर ये 8 हो जाए, ठीक है, यहाँ देख रहे हो जगह खाली छूट गई, फिर हमने 3 का कैलकुलेशन चलाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मोबाइल या टैबलेट में क्या हो जाए। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे लाइन कॉपी और फिर से पेस्ट, और यहाँ पर आप कॉल के बाद क्या लिख देंगे, टैबलेट। तो टैबलेट में क्या बदलाव करना चाहते हो वो यहाँ जाके लिखोगे आप। हम चाहते हैं कि टैबलेट में ये जगह खाली छूट गई, ऐसा ना हो, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, तो 4 + 4 8 हो गए, यानी कि एक रो में 2 कार्ड, दूसरे रो में 2 कार्ड। कंट्रोल एस करके जरा चेक करो सही हो गया कि नहीं, बढ़िया हो गया। और अगर आपको पूरे एक एक बनाने हैं तो क्या लिख देंगे, 8। तो देखो फुल 1 2 3 4, समझ आ गया सिस्टम, ऐसे चलता है इसका। अब मोबाइल पे क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पर फिर से पेस्ट, क्या लिखेंगे, डैश मोबाइल। मोबाइल पर कितने आते हैं, 4, यहाँ पर जाके 4 ही लिख देना। तो अपना सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो डेस्कटॉप पर एकदम, ये बाकी सबको भूल जाओ हमने ये बनाया, टैबलेट पर सही आ रहा है, मोबाइल पर चलता है। 4 4, ठीक है ना, हमारा वाला गलत क्यों आ रहा है, जरा एक बार देखो, 3 3 3 3, 4 4 4 4, हमने कुछ गलत लिखा है क्या, ओहो मोबाइल लिख गया, फोन लिखना था, फोन करना है, अब सही है, बन गए। मोबाइल नहीं होता, फोन होता, मोबाइल के लिए फोन लिखना है, ये मिस्टेक है। तो इसमें बूटस्ट्रैप की तरह आपको ब्रेक पॉइंट नहीं मिलेंगे, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, SM मतलब स्मॉल डिवाइसेस, MD मतलब मीडियम डिवाइस, LG मतलब लार्ज डिवाइस, XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, XXL एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो बूटस्ट्रैप देता है 6 ब्रेक पॉइंट,
मटेरियल देता है 3 ब्रेक पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट बहुत सिंपल, मोबाइल के लिए फ़ोन, टैबलेट के लिए टैबलेट, डेस्कटॉप के लिए कुछ नहीं। ऐसे आप अपने ग्रिड को हैंडल कर लोगे। इसलिए अब कुछ कॉल करके देखते हैं कार्ड वगैरह इसके अंदर। MDL कार्ड वापस आइए गेट एमडीएल डॉट आईओ कंपोनेंट, और यहां से हम फाइंड आउट करते हैं कार्ड। तो कार्ड के भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये कार्ड है, इस तरह का कार्ड है, या फिर इस तरह से आपने डिफाइन करने हैं। तो जो भी आपने पार्ट इंटीग्रेट करना है, जैसे मुझे इस वाले कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये इसका HTML कोड ले लेना है और ये इसका CSS कोड ले लेना है। तो चलिए पूरा पार्ट कॉपी, जिस भी कार्ड में हम कॉल करना चाह रहे हैं वहां जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। स्टाइल को अपन यहां से करेंगे कट, और ऊपर वाले स्टाइल में जाके कॉल, और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कमेंट लगा के, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो डेमो कार्ड मेंशन है, तो नीचे चेक कर लेना क्या नीचे कहीं पर डेमो कार्ड मेंशन है कि नहीं है। हमने अपना कोड कहाँ पर कॉल किया था, यहाँ पर, तो यहाँ पर डेमो कार्ड लिखा हुआ है, चल जाएगा। कंट्रोल करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, फोटोग्राफ नहीं आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो CSS में है। तो यहाँ पर अगर हम कोई अपना इमेज का फोल्डर ले आए और उसको ला के यहाँ कॉल कर दें इस तरह से, और उसका नेम जाके हम लोग बदल दें, ओपन विद लाइव सर्वर अगर कर दें, कॉल हो गया इमेज। अब इसकी विथ पूरे में क्यों नहीं आ रही है, तो जब ये कार्ड जैसा आप बूटस्ट्रैप में उठा के निकालते हो वहाँ पर एक विड्थ डली होती है स्टाइल इक्वल टू करके, इसकी विड्थ यहाँ डली हुई है, क्या कर दोगे, ऑटो हो गया एक्सपेंड। तो इस तरह से अपने कार्ड वगैरह इसमें इजीली कॉल हो सकते हैं, लेके आ सकते हैं। बाद में जो नीचे हमारा बेस का जो कोड लगा हुआ है वो जस्ट विजुअल देने के लिए, तो उसको आप बंद कर सकते हो। हम यहाँ से क्या करेंगे उसको, इस वाले कोड को, ये 50 की हाइट डली है यहाँ पर, इसको ये सिर्फ दिखाने के लिए इसको डिसेबल कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके काम में। रेस्पॉन्सिव करके देखो, बढ़िया चल रहा है। टैबलेट पर आके देखो, फिर 4 4 8 पूरे हो गए ना। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो व्यू, तो टैबलेट की कोड लिख देनी है आपने। क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके हमने इस लाइन को कॉपी करना है और लिखेंगे यहाँ पर स्पेस, टैबलेट और विड्थ जो भी आप सेट करना चाहें, जैसे हमने क्या किया 8, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, और एक ऊपर और होना चाहिए 8, यहाँ भी 8 हो गया। ये फालतू का स्पेस हटा देना,
MDL, MDL एंड MDL। टैबलेट में देखो व्यू चेंज हो गया, मोबाइल पर अपना फोर पहले से चल रहा ऑलरेडी है ना। तो समझ आ गई मटेरियल, तो बूटस्ट्रैप क्लियर है तो मटेरियल चलाना इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। मेन है ग्रिड को समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कंटेनर रिप्लेस हो गया विद MDL ग्रिड, जो हमारे रो थे, ग्रिड के अंदर रो होता ही नहीं है, हमने CSS पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। उसके अलावा यहाँ पर कॉलम्स के लिए यहाँ पर चलता है MDL सेल, ये फिक्स है, लिखना ही है। फिर आपको दोबारा लिखना है MDL सेल नंबर के से पहले आपने सिंगल हाइफन लीजिएगा, दो हाइफन डालने, फिर लिखना है कॉल, ठीक है। बस उसके बाद में आपने आगे टैबलेट या मोबाइल जो भी चलाना है उस पार्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें अब जो पार्ट रहता है हमारा कंटेनर है तो MDL ग्रिड, ये तो कंटेनर है, यही कंटेनर है। नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिड वाला बताएंगे, मिक्स करके बूटस्ट्रैप और मटेरियल। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें ना ये बड़ा पेचीदा लगता है जो स्ट्रक्चर है इसका, वो बूटस्ट्रैप में ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, वहाँ पर तो कॉल कॉल लिखते जाओ काम होते जाता है। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड ले लो, मटेरियल का कंपोनेंट ले लो, तो भी काम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे लेआउट के अंदर से हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिया है तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे नेविगेशन लेआउट, जो इस तरह का नेविगेशन आपको रिक्वायर्ड है जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए, साइड साइड बार आ जाए इसमें, या फिक्स साइड बार, या इस तरह से, या इस तरह से, तो अलग अलग टाइप यहाँ पर अवेलेबल हैं, या सर्च के साथ, या और नीचे आओ टैब के साथ, या और नीचे आओ फुल विड्थ में टैब चाहिए हमें। तो इन्होंने बूटस्ट्रैप से ज़्यादा नैव बार के स्टाइल दिए हुए आपको, समझ गए। अब ये सब कहाँ चलते हैं, तो जैसे अगर आपने जोमेटो वगैरह अगर चलाया हो उस पर आओ, याद कर रहे नैव बार के टैब है ना, तो ये एग्जांपल आपको मटेरियल में बना बनाया मिल जाएगा। ऊपर चलोगे, ठीक है, इस तरह, या जैसे हमने डिलीवरी के अंदर चूज किया, डिलीवरी में चले जाओ, रेस्टोरेंट चूज कर लो, दैट इज नॉट पर्सनल लाइक, चलो ठीक है। तो जो आपका सिलेक्टेड वाला पार्ट है वो आपका एक्टिव हो गया, इसमें इधर देखो जरा ऐसा कुछ एक्टिव हो गया, इस लोग जा रहे हैं वापस कलर चेंज कर रहे हैं। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो लोग ऊपर टैब को भी हैंडल कर सकते हैं, ग्राफिक वगैरह डाल सकते हैं, आइकन वगैरह, फिर से टैब यहाँ पर दिखाई देने टॉप पे। तो ये चीज़ें डिज़ाइन करना दोनों में ही पॉसिबल है, जिस पर भी बना। अब यहाँ देखो इन्होंने जैसे जोमेटो प्लेटफॉर्म बनाया कितना मिनिमलिस्टिक है, लोडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिशेज की ऑलरेडी फोटोग्राफ्स होंगी, वही वेबसाइट को हैवी कर दी तो इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर क्यों लगाना, जितना लाइट स्ट्रक्चर हो, है ना। फ्लिपकार्ट को देखते भाई कोई एनिमेशन वगैरह नहीं होता ना, सिंपल टैप 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 वाली साइट है, क्योंकि ऑलरेडी इतना डोम के ऊपर डेटा लोड हो जाता है जब यूजर किसी पेज को विजिट करते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों को एनिमेशन चीज़ों को अच्छा तो लग दिखाता है लेकिन साथ साथ स्लो डाउन करता है। तो मैं तो अपने साइट पे किसी प्रोजेक्ट पे नहीं लगाता, क्लाइंट पूछता भी नहीं, जैसे दोस्तों हम लोग क्लियरली बोल देते हैं कि अगर चाहते हो गूगल में कोई सर्च ना करे तो लगा, और चाहते हो सर्च कर ले तो लगा, तो सीधा सा बन जाए। एक कहावत है ना, जितना बड़ा इंसान होगा उतना सिंपल होगा, और जितना खोखला होगा उतना ज़्यादा सोचा करेगा, सीधी सी कहावत। तो
बड़े लोगों की वेबसाइट जो होती है उनके कंटेंट के दम पे चलती है, ना कि एनिमेशन के दम पे। एनिमेशन एक रोल प्ले जरूर करता है यूजर को इंगेज करने के लिए, जिसके पास टाइम नहीं होगा वो कभी भी एनिमेशन वाली वेबसाइट को पसंद भी नहीं करेगा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आपको एक जगह से फ़ोन नंबर निकालना है और उस नंबर तक पहुँचने के लिए 10 एनिमेशन जो कि तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। पहली बार के लिए तो बहुत अच्छा है, इसको ऐसा समझो पहली बार आप फ्लाइट में बैठोगे, अब तुमको 3 घंटे भी लग रहे हो 4 घंटे लगे तुम एंजॉय करोगे। अब तुम 20 बार बैठ चुके, अब तुम बताओ चेक इन चेकआउट के प्रोसेस में कितना अच्छा लगता है। तुम कहोगे भाई खत्म करता है यार, घर जाने दे जल्दी, लगेज नहीं आ रहा मेरा। तो चीज़ें ना तुम बोरिंग सी होने लगता है। आज के लिए इतना रखते हैं, मेरे को थोड़ा सा हिकअप की प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यू करते हैं।